Hello dear friends, good morning, how are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. Big beta, it's a very precious time for you because the time never come back again in your life. If it comes, so we never catch. Our friend always says, if you want to catch the time, so just you try to catch in front of it. Don't try to catch the time on the back. Okay? क्या कहा गया है कि भाई जो समय है उसको हमेशा आगे से पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आगे से तो उसके बाल है, पीछे से वो गंजा है. जब आप समय को पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो आपके हाथों से रिपट जाता है और वो आगे दौड़ जाता है. तो हमें कोशिश क्या करना है कि जब भी आपको समय से आगे आप चलोगे तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो. अदरवाइज यदि समय ने आपको पीछा छोड़ दिया, आपको पीछे छोड़ दिया, तो आप हमेशा ही पीछे रह जाओगे. तो बेटा वर्क हार्ड करते रहिए. अभी जल्द ही हम मिलने वाले हैं स्कूल के अंदर उसी तरह से जो हम पिछले साल पढ़ाया करते थे. तो हम ऐसा करते हैं ये सभी जल्दी हमारे ये समय जल्दी से हमारे बीच में आए तो देखिए क्या कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैक्लेरी कैट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन. अब जो गवर्नर ने उसको जो दिया था उसको सही रूप से उसको समझाता है, एक्सप्लेनेशन करता है. एल्फर्ट्स वे, आपको एल्फर्ट्स वे जाना है. ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस, मैं जानता हूँ कि इवांस कहाँ पे है. ही वॉज ब्रेथिंग हैवली, वो गहरी सांस ले रहा था. एंड ही लैंडेड फॉर द स्पॉट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार. और उसने क्या किया कि कार का सहारा लेते हुए जब खड़ा हुआ तो जब जैसे उसने अपना हाथ वहाँ से उठाया तो जब खून का जो निशान था उसके कार के ऊपर लग जाता है. वेयर द इम्प्रिंट्स ऑफ द हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन द ट्रेंस्ड क्रिमसन, वही उसका खून का जो हाथ था लाल रंग उसके ऊपर छप जाता है. इन बेविलडनमेंट कार्टर्स लुक टू द गवर्नर्स फॉर द गाइडलाइंस. अब हैरान होकर कार्टर गवर्नर की तरफ देखता है गाइडलाइंस लेने के लिए. वाट, टेक हिम विद यू, आप इसको अपने साथ लेके जाओ. इफ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, यदि आप मानते हो कि यह सही है. ही इज ओनली वन हु सीम्स टू नो वाट इज हैपनिंग, केवल एक यहाँ पे यही एक ऐसा इंसान है जिसने देखा है, वो जानता है कि यहाँ पे क्या घटना घटित हुई है. कार्टर ओपन द बैक डोर. अब कार्टर क्या करता है, विद अपनी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है एंड हेल्प मैक्लेरी इनसाइड, और उसको अंदर बैठाने में उसकी सहायता करता है. एंड फ्यू विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ द कार लैप्ड अवे इन द स्पॉट ऑफ ग्रेवल, और कुछ ही सेकेंड के अंदर गाड़ी अपने पीछे धूल मिट्टी कंकड़ छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है. एल्फर्ट्स वे मैक्लेरी हेड सेड, मैक्लेरी ने कहा था. एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइंस ऑफ द जर्मन टैक्स. अब यहाँ पे कुछ ऐसी जो चीज़ें थी जो गवर्नर उसको घूर कर देखता है जो जर्मन भाषा में लिखी हुई थी. फ्रॉम एल्फर्ट्स वे ड्राइव टू द हैंडिंगटन्स राउंड अबाउट वेयर, क्या कह रहा है कि एल्फर्ट्स वे की तरफ जाती हुई आपको किसकी साइड जाना है, हैंडिंगटन जो झूला उसकी तरफ. यस ऑफकोर्स, निसंदेह द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्फर्ट्स वे, जो एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वो एल्फर्ट्स वे की तरफ ही है. एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड्स मस्ट हैव बीन इन्वॉल्वड इन द एस्केप्स प्लान फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. अब क्या कह रहा है कि बोर्ड का कोई ना कोई सदस्य अवश्य ही इस भागने की योजना के अंदर शुरुआत से ही शामिल था. द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ, जो क्वेश्चन पेपर है, एंड द करेक्शन स्लिप्स, और जो करेक्शन स्लिप थी वो. द गवर्नर टर्न्स टू जैक्सन एंड स्टीफन. अब गवर्नर क्या करता है, जैक्सन और स्टीफन की तरफ देखता है. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपन, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ है. डू आई, क्या मुझे है. हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्केटिंग कॉन्टेम्प्ट. अब उसकी जो आवाज़ थी बिल्कुल शांत और क्या थी भाई, मतलब उनको हैरान कर देने वाली या फिर उनको झिकझोर कर देने वाली थी. एंड विच वन ऑफ यू टू मोनोर्स वाज इट हु टुक एवांस फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम गुड बाय. अब आप दोनों में से वो कौन सा मूर्ख था जो एवांस को मेन गेट तक छोड़कर आया और उसको
अलविदा कह के आया। इट वॉज मी सर, ये मैं था श्रीमान, स्टमर स्टीफन स्टीफन हकलाता है। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, जैसा आपने मुझे कहा था सर। आई कुड हैव स्वॉर्न, मैं शपथ खाकर कह सकता हूँ सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया था। वॉट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, मैंने ऐसा क्या कहा था। यू से वट द हेल, क्या बकवास है। वैन यू रंग सर, जब आपने मुझे कॉल की थी। एंड टोल्ड मी टू, और मुझे कहा गया था। When was that? अब कब की बात है। The governor's voice was the whispless now. अब governor की आवाज़ और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। You know sir, आप जानते हो श्रीमान। अब about 11:20 just before, क्या कह रहा है कि 10:11:20 से कुछ पहले। Don't you realize कि आपको इसके बारे में नहीं जानता। But what was the use? ना यू लिटिल इडियट, तुम बहुत ही महामूर्ख इंसान हो। मैन इट वॉज नॉट मी, वह मैं नहीं था। हु रंग यू, जो मैंने आपको कॉल की थी। डोंट यू रियलाइज, क्या आपको आभास नहीं है। बट वाट वॉज द यूज, लेकिन इसका क्या फ़ायदा। ही हैड यूज द टेलीफोन एट द डेट टाइम, उसने टेलीफोन का एक बार प्रयोग किया था। बट ओनली टू ट्राई, लेकिन कोशिश करने के लिए। अनसक्सेसफुल मोर वंस मोर, केवल एक बार। टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड, केवल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऊपर कॉल करने के लिए। ही शोक हिज हेड इन ग्रोइंग डिसअपीयर, वो निराशा में अपना सिर हिलाता है। एंड टर्न टू द सीनियर प्रिजन ऑफिसर, और वह जो सीनियर जो प्रिजन ऑफिसर है जैक्सन की तरफ मुड़ता है। एज फॉर यू जैक्सन, और तुम्हारा जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गॉट अ ब्रेन, तुम कितनी बार बहाना करते हो कि तुम्हारे पास क्या है भाई, दिमाग है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैक्सन यू स्कूल्स एम्पेटी, तुम बिल्कुल पागल हो। एब्सोल्युटली एम्पेटी, बिल्कुल खाली दिमाग के हो। इट वॉज जैक्सन, ये वही जैक्सन था हु हैड स्पेंड 2 hours इन इवांस सेल द प्रीवियस इवनिंग। क्या कह रहा है कि ये वही जैक्सन था जिन्होंने इवांस के पिछली शाम को 2 घंटे तक समय व्यतीत किया था। एंड इट वॉज जैक्सन, वो यही वही जैक्सन था हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड, जिसने बड़े ही विश्वास के साथ रिपोर्ट किए थे। डैट देर वॉज नथिंग हिडन अवे देर, की वहाँ पे कुछ भी ऐसा छुपा हुआ नहीं है। नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं। एंड यट इवांस हैड सम हाउ मैनेज टू कैंसल नॉट ओनली अ फ्लैश बियर्ड, लेकिन फिर भी इवांस किस तरह से कामयाब हो गया छुपाने के लिए। क्या एक नकली दाढ़ी, ए पेयर ऑफ द स्पेक्टल्स, एक क्या भाई चश्मा, एक डॉग कॉलर से कॉलर, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज कैलरिकल पैराफोर्निया, और बिल्कुल वही साज बिसा किस तरह छुपाने में सफल हो गया। बट आल्सो सम सॉर्ट ऑफ द वेपन, लेकिन एक वो छोटा सा हथियार विद विच ही हैड गिवन मैक्लेरी सच अ ट्रिबल ब्लो अक्रॉस टू हेड, जिससे उसने मैक्लेरी के सर के ऊपर क्या किया भाई, एक जोरदार वार किया। अ प्रिजन वैन बैक्ड अलोंग साइड, अब एक जो प्रिजन जेल की जो छोटी गाड़ी है वो पीछे की तरफ मुड़ती है। बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन गवर्नर वहाँ से नहीं हिलता है। ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, वह दोबारा से जो जर्मन भाषा के अंदर लिखी हुई अंतिम लाइन की तरफ देखता है। टू द हैनिंगटन रन अबाउट, हैनिंगटन झूले की तरफ, वेयर यू स्ट्रेट ओवर मेक यूर वे टू, जहाँ पे आपको सीधा चलना है, टू न्यू गर्बेन, न्यू ब्रगेंस, वेयर ऑन द अर्थ, ये तो इस पृथ्वी के ऊपर कहीं भी नहीं है। न्यू समथिंग न्यू ग्रेव, नेवर हियर्ड ऑफ इट, इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। देर वॉज अ वार ग्रेव सम वेयर नियर रेडिंग्स, हाँ, बट नाउ इट वॉज प्रॉबली अ कोड, लेकिन यहाँ पे कोड वर्ड है। एंड देन इट हिट हिम, तब उसको दिमाग में आया, न्यू ब्री, गॉड यस, न्यू ब्री वॉज अ प्रीटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस, न्यू ब्री था एक बहुत ही छोटी या बहुत ही बड़ी जगह थी। ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर टू द ड्राइवर, उसने ड्राइवर को आदेश दिया। एट सेट एडलर्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, क्या करना है भाई, सेट एडलर्स पुलिस स्टेशन के ऊपर जाना है। टेक जैक्सन एंड स्टीफन हियर, जैक्सन और स्टीफन को इधर लेके आओ। एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, और जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओ तो किसके बारे में बात करनी भाई, जो इंस्पेक्टर बेल है उसके बारे में पूछना है। चीफ इंस्पेक्टर बेल, गॉट दैट, समझ गए हो ना। He left the stairs to his office at 3 times. उसने 3 सीढ़ियों को
फांगते हुए वह अपने ऑफिस में गया, गॉट बेल ऑन द फोन इमिडेंटली, कि क्या कह रहा है कि बेल को तुरंत कॉल लगाइए, एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम, और उनके सामने सच्चाई रखिए। वेल आई विल गेट हिम सर, मैं उसको बताऊंगा, सेड बेल, वी विल गेट हिम, हम उसको पकड़ लेंगे, विद अ बिट ऑफ लक, अच्छे भाग्य के साथ हम उसको पकड़ लेंगे। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।